नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही दिनों में होली है, मेरे तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे ठंडाई। ठंडाई का नाम सुनते ही दिमाग तरोताजा हो जाता है और ठंडाई के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं होली स्पेशल ठंडाई। हमने यहाँ 20 से 25 बादाम, 25 से 30 पिस्ता, 25 से 30 पीस काजू, 2 बड़े चम्मच मेलन सीड्स, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच खसखस या पोस्तदाना, 3-4 इलायची, 1 बड़ी दालचीनी के टुकड़े और 25 से 30 काली मिर्च और कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां ली है। अगर आप इंस्टेंट ठंडाई बनाना चाहते हैं तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्सी में पीस लीजिए, फिर इसे दूध में डालकर ठंडा करके आप इसका आनंद ले सकते हैं। कुछ नट्स जैसे आलमंड और खसखस तासीर में गर्म होते हैं, इसीलिए गर्मी के टाइम अगर आप इसको भिगो के लेंगे तो इसका फायदा और मिलेगा और ये आपके बॉडी को नेचुरली ठंडक पहुंचाएगी। इसलिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को 5 से 6 घंटा पानी में भिगो के रख दिया है। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, हमने आलमंड के छिलके निकाल दिए हैं और सारे नट्स के पानी को निकाल दिया है। सिर्फ सौंफ, खसखस और मसाला का पानी को हमने रखा है क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर होते हैं। तो चलिए इसको ग्राइंडिंग करते हैं। अब इन सारे चीजों को हम एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे तरह से पीस लेंगे। ये देखिए, हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। गरम दूध में केसर के कुछ धागे को डाल के रख दिया है। हमने एक कढ़ाई में 3 ग्लास फुल क्रीम मिल्क लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसमें हम मिठास के लिए मिश्री डालेंगे। आप चाहें तो देसी खांड भी यूज कर सकते हैं। आप चीनी इसमें मत डालिए, मिश्री या देसी खांड ही इसमें डालिए। अब इसमें हम जो पेस्ट हमने तैयार किया था उससे 3 बड़े चम्मच दूध में डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और बाकी पेस्ट को हम एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं और उसे एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें जो केसर वाला दूध लिया था उसे भी डाल देंगे और दूध को एक उबाल आने तक 1-2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। दूध में अच्छे से उबाल आ गया था, हमने गैस बंद कर दिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में 5 से 6 घंटा रख देंगे। 4 से 5 घंटे के बाद हमने ठंडाई के मिश्रण को फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। अब एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और उसमें एक छन्नी रख लेंगे हम और ठंडाई को उसमें छान लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा ठंडाई रेडी है। अब इसको ड्राई फ्रूट्स या गुलाब के पंखुड़ी के साथ सर्व कीजिए। ये लीजिए, हमारा एनर्जी बूस्टर ठंडाई रेडी है। बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स के बदले आप इसे बनाकर अपने बच्चों को पिलाइए।